अब हम क्वेश्चन लेते हैं, मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन है, हाफ हाफ साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, जहां मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, y इज ग्रेटर देन 0 एंड xy इज लेस देन 1। ये कंडीशन के अंतर्गत इसका मान निकालना है। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो जिसका मान ज्ञात करना है उस व्यंजक को देखिए, यहाँ पर ये जो व्यंजक है उसको आप देखिए, ये इस प्रकार से है। ध्यान दीजिए बच्चों इस क्वेश्चन में ये ऐसा है, टेन ऑफ हाफ ऑफ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें ये व्यंजक जो है x में है और ये व्यंजक जो है y में है। तो इसमें हमको पहले इसका मान निकालना होगा, फिर हम इसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके लिए पहले हम देखते हैं इसको हम कैसे सरलतम रूप में लाएं। तो यहाँ पर ये जो व्यंजक दिख रहा है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक उचित प्रतिस्थापन करते हैं। क्या उचित प्रतिस्थापन करते हैं कि मान लेते हैं x इज इक्वल टू टेन अल्फा, ठीक है, तब अल्फा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। ऐसा करने से इसका रूप साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूप हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब ये देखिए बच्चों, आपको एक फार्मूला 11वीं कक्षा का याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा फार्मूला है। तो देखिए ये किस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया। तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू क्या मिला आपको, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 अल्फा। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाते थे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये अब आपने अल्फा टेन एक्स को टेन अल्फा लिए हैं, तो अल्फा इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स, तो अल्फा की जगह आप रख दीजिए, तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स। ये जो है पहले पद का मान आ गया। अब हम दूसरे पद के लिए देखते हैं, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है इसमें कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए भी हम कोई त्रिकोणमिति व्यंजक है जो इस रूप में लाया जा सके। तो यदि हम y को tan बीटा मान लेते हैं, तब बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y। यहाँ पर भी एक फार्मूला है,
ग्यारहवीं कक्षा आप पढ़े बच्चों, कॉस टू थीटा ये होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र यदि हम अप्लाई करते हैं तो ये हमको मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला है कॉस टू थीटा। तो ये लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू बीटा, और प्रॉपर्टी लगा दिया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया टू बीटा, और बीटा की वैल्यू यहाँ से रख दिया तो ये हो गया टू टेन इनवर्स ऑफ वाई। दूसरा रिजल्ट यहाँ पर जो आपने फार्मूला अप्लाई किया है, यहाँ पर आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है उसको लिख दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ आपने अप्लाई किया है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो कंडीशन को भी याद रखना है। अब हम इस पूरे का मान निकालने के लिए ये वैल्यू रख देते हैं, क्या मिला, अतः टेन हाफ ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 10 हाफ ऑफ, इसका मान क्या आ गया 2 टेन इनवर्स x, और इसका मान क्या आ गया बच्चों 2 टेन इनवर्स y। इसको हम 2 कॉमन लिया, 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, अब ये आ गया टेन ऑफ टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। अब एक कंडीशन दिया है एक्स वाई इज लेस देन 1, तो हम यहाँ पर एक्स वाई इज लेस देन 1 के लिए जो कंडीशन है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन गया बच्चों टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब हम टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, पुनः हम फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, तो इज इक्वल टू मिला x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू y। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। यहाँ पर भी आपने फार्मूला कौन सा अप्लाई किया, उस फार्मूला को आप साइड में लिख दीजिए, टेन ऑफ टेन इनवर्स x इज इक्वल टू x। तो इस प्रकार से आप मान ज्ञात कीजिए पूछा जाता है, तो आप दिए गए कंडीशन का पालन करते हुए, शर्तों का पालन करते हुए व्यंजक को सरल कीजिए और सरलतम रूप में लाइए। मान ज्ञात कीजिए कहता है इसका मतलब सबसे सरलतम रूप।